स्वागत है दोस्तों मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज। आज मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2021 की थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस पूरे क्वेश्चन में हमें बताना है कि सिनोनिम कौन सा दिया हुआ है एडजस्ट का। देखिए एडजस्ट का जो मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, किसी चीज को सुटेबल बनाना या आप्ट बनाना उसे। तो चेंज का मतलब क्या होता है, तो एल्टर करना, हिंदी में कहेंगे बदलाव करना। शिफ्ट का मतलब होता है कि टू चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू, इसमें प्लेस जरूरी आएगा, वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अडाप्ट का मतलब होगा ये सूटेबल होगा, अडाप्ट का मतलब या फिटेड आएगा या अक्लेमेटाइज भी कह सकते हो। ये भी अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा था। मूव का मतलब आपको पता ही होगा, तो पास। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, अडाप्ट। एडजस्ट का मतलब अडाप्ट करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने वर्ड आपको दिए गए हैं इन सब वर्ड को आपने कॉपी में लिखे, ये आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि एसएससी में ये वर्ड बार बार पूछे जाते हैं, तो आपने जरूर लिखे। और अगर आपको कोई सुझाव आता है या कोई आपको कोई मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ भी, तो किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखना, बहुत जरूरी है आपका लिखना ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक रैंडमली कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें आपको कोहेरेंट मैनर में लिखना है। आइए देखते हैं। पहले क्या, विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रैवलर टेक ऑफ हिज क्लॉक शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल। इसमें आ गया, जो भी सबसे पहले क्या करेगा, एक ट्रैवलर जो है उसका टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतरवाना कपड़े का, और क्लॉक का मतलब होगा जो लबादा होता है, जो लबादा उतरवा देगा उसका, उसे मान लिया जाएगा क्या कि वो विनर है या ज्यादा पावरफुल है। देखिए ये हमारा कभी नहीं हो सकता, हमें तो पता ही नहीं कि किस किस के बीच विवाद चल रहा है या किस किस के बीच में बात हो रही है, तो हमें नहीं पता, तो इसलिए पहला नहीं हो सकता। दूसरे को देखते हैं, बी को, दे अग्री टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट। अब एक किसी मुद्दे पर कोई बात हो रही है और उस पॉइंट को लेकर वो कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट पर इस चीज का टेस्ट करेंगे, तो ये भी सेकंड नहीं हो सकता, सेकंड भी हमारा पहला नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द विंड एंड द सन टू डिसाइड विच वॉज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। एक बार एक मुद्दा खड़ा, विवाद खड़ा हो गया, अरोज मतलब हो गया, बिटवीन में किसके, विंड के, हवा के, और किसके, सूरज के, ये डिसाइड कर, निश्चित करने के लिए कि उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो ये पहला हो सकता है अपना। दूसरा देखते हैं, द विंड बिगैन एंड ब्लू विद ऑल हिज माइट एंड सेंट अ ब्लास्ट कोल्ड एंड फियर्स एज अ स्टॉर्म। देखिए उसके बाद हवा ने बहना शुरू किया अब बहुत तेजी से और पूरी शक्ति से अपनी, और सेंट अ ब्लास्ट, एक तेज के झोंका उसने दिया किसका, ठंडा का, और किसका, फियर्स। फियर्स का मतलब होता है कि भयानक, एज अ स्टॉर्म, जैसे कि तूफान होगा, उस तरह से उसने पूरी शक्ति के साथ में बहुत तेज हवा के साथ में बहना शुरू किया कपड़े उतरवाने के लिए ट्रैवलर के। तो इस तरह से ये होगा। देखिए पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया अपना डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में, तो जब डिस्प्यूट हो गया उसके बाद क्या हो गया, वो उस बात पर एग्री करके, तो ये होगा पहला होगा सी, दूसरा होगा बी, उसके बाद आएगा अपना, उसके बाद हवा ने अपनी पूरी कोशिश की, तो ये आएगा तीसरा अपना डी। तो देखते हैं किसमें आएगा, सी बी डी, देखते हैं सी बी डी किसमें, सी बी डी पहले में आ रहा है, सी नहीं पहले में नहीं आ रहा, सी डी आ रहा है, सी इसमें आ रहा, सी बी ए डी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला अपना आंसर हो जाएगा सी बी ए। देखिए पहला सी, फिर रहेगा बी, फिर विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रैवलर क्लॉक, हाँ फिर उस बात पर एग्री हो गया, ये तीसरा हो जाएगा, और ये वाला जो ये चौथा हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद में हवा ने तेज से तेरी साथ बहना शुरू किया और अपनी ताकत दिखाई, तो देखिए इस तरह से ये हो जाएगा आंसर इसका सी बी ए डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सिनोनिम फिर से बताना, देखिए मैं इसके पहले आपको मतलब आता हूँ, इसके सिनोनिम लिखाता हूँ। देखिए स्लैक का मतलब होगा ढीला, मतलब नॉट फर्म, नॉट फर्म, नॉट
कह सकते कि स्टिफ, स्टिफ का मतलब कड़ा होता है, या कह सकते इसे फ्लैसिड, फ्लैसिड कह सकते, या एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग लैक लस्टर, निस्तेज के लिए यूज करते हैं, ढीले सुस्त के लिए, या फिर एक यूज कर सकते लैक डेसिकल, ALACK। ये वर्ड होगा लैकडेसिकल। इन सब का मतलब होता है कि ढीला होना। एक्टिव का मतलब क्या होगा? इन ऑपरेटिंग कंडीशन में होना, किसी चीज का चालू होना, मतलब चालू कह सकते हो आपकी वो चालू कंडीशन में है, या कह सकते हो कि लाइवली, और या इस तरह से इसका जो एक्टिव का मतलब हो जाएगा। दूसरा देते हैं लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होगा? देखिए लाइवली का मतलब होगा एकदम एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक कह सकते हो आप, एनर्जेटिक। केयरलेस का मतलब क्या होगा? जो बिल्कुल भी लापरवाह इंसान, नेग्लिजेंट कह सकते हो, नेग्लिजेंट, या SHIR इसे भी कह सकते हो आप लोग, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में ध्यान नहीं देता। और कीन का मतलब क्या होगा? कीन का, जैसे कि मैं आपको वर्ड लिखा देता हूँ कीन के लिए, और ये कीन, कीन का मतलब होगा ईगर, या ईगर होगा, और एक वर्ड होगा क्यूरियस। इस तरह से दो मतलब हो जाएंगे ये कीन के भी। ये वर्ड आप लिख लीजिए, कीन का मतलब होता है उत्सुक होना किसी को जानने के लिए, ईगर होगा, क्यूरियस होगा, एक्साइटेड भी लिख सकते हो आप, एक्साइटेड भी होगा, क्यूरियस, एक्साइटेड, ईगर। एनर्जेटिक का मतलब होगा लाइवली, ये लाइवली का हो जाएगा, लाइवली का हो जाएगा। एक्टिव का मतलब होगा ऑपरेटिंग कंडीशन में चालू होना किसी चीज का। और केयरलेस का मतलब होगा नेग्लिजेंट, काम में देना सरकार बिल्कुल होना। तो सैक का जो सिनोनिम होगा यहाँ पे वो होगा ये केयरलेस, केयरलेस हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, तो अपना केयरलेस आंसर हो जाएगा इस बात को। और बाकी सब जो वर्ड लिखा है मैंने उन सब पे आप फोकस रखें, उन सबको आप कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करें, कॉपी में नोट करें, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा फायदा हो सके। मैं तो यही चाहूंगा कि आपको ज्यादा ज्यादा फायदा हो इस वीडियो को देख के, वरना क्या फायदा होगा आपको सोल्यूशन देखने पर। ऐसे तो यूट्यूब पर पता नहीं कितने लोग सोल्यूशन करा रहे, लेकिन इस तरह का सॉल्यूशन आपको मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलेगा। तो आप इस सॉल्यूशन की सहायता से पूरा पूरा फायदा उठाइए, ऑप्टिमम लेवल पर आप फायदा उठाइए इसका, ताकि आप अपना एग्जाम जो आने वाला है उसे क्रैक कर सके, कम से कम इंग्लिश में तो आप अच्छा स्कोर कर सके। चलिए इतना इनफ हो गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सफिशिएंट, वन वर्ड सफिशिएंट बताया गया। देखिए ये वन वर्ड सफिशिएंट पूछा गया, प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, एक बड़े से संस्थान में एक ऐसी जगह है जहां पर जो बीमार लोग होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। तो हॉस्टल का मतलब छात्रावास होता है, या तो कहीं से कहीं तक आंसर नहीं होगा। इन्फर्मरी का मतलब यही होता है, इन्फर्मरी जो होती है ऐसी जगह होती है जहां पे जो बीमार लोग हैं उनकी देखभाल की जाती है, वो जगह होती है। हैंगर वो जगह होती है जहां पर क्या होता है कि जो विमान, विमानशाला कह सकते हो आपसे, विमानशाला मतलब जहां पर विमान आगे खड़े होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, या उन्हें चेक किया जाता है अगली फ्लाइट के लिए। डॉर्मेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग सोने की व्यवस्था करते हैं, मतलब जहां पर लोग बहुत सारे बेडरूम्स में होते हैं और वहां पे लोग आके सोते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर होगा अपना वो हो जाएगा सेकंड वाला, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया फिफ्थ क्वेश्चन में कि नो सब्स्टिट्यूशन अगर रिक्वायर्ड है तो वहां पे नो सब्स्टिट्यूशन लिखना है, अगर कहीं पे गलती लग रही है आपको, और कहीं पे गलती नहीं है तो आपको सीधे सीधे वो टिक कर देना है। देखते हैं, अमंग अप्लाइड साइंसेज मेडिसिन इज वन विच हैव, देखिए ध्यान रखना एक मेडिसिन अकेली है, मेडिसिन विच, विच के साथ में हैज की क्यों आएगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा हैज। एक अकेले इकलौती मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन हैज, मेडिसिन इज वन विच हैज गिवन मैन सम पावर ओवर द टच। देखिए बहुत सारे जो हमारे व्यवहारिक विज्ञान है उसमें से दवा जो है, दवा से जो रिलेटेड जो विज्ञान है वो एक ऐसा है, इकलौते की बात की है, इसलिए हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, जिसने आदमी को पावर दी किसके ऊपर, डेथ के ऊपर काबू पाने की। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा अपना ये वाला, इसमें गलती थी तो ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर, विच हैज गिवन, ये फोर्थ वाला अपना आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन कट जाएंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने पूछा कि एंटोनिम बताना आपको। देखिए हजार्ड, इसका मैं आपको मतलब लिखा तो पहले, यहाँ पे ये मतलब है, इसका जो मतलब होगा वो एक तो होगा लिखते रहिए आप साथ साथ पैरिल, दूसरा होगा थ्रेट,
तीसरा होगा डेंजर, सेफ्टी के जो सिनोनिम होंगे वो होगा सिक्योर, प्रोटेक्टेड, या प्रोटेक्शन। पैरल का मतलब कि वो हजार्डी हो जाएगा, ये तो फिर से डेंजर को बताएगा। रिस्क का मतलब होगा स्टेक, ठीक है, इसका मतलब लगभग थ्रेट से होगा, रिस्क है। गैमल का मतलब होगा, देखिए तो चाल होती है, डिसीटफुली, प्ले डिसीटफुली कह सकते हो आप, खेलना डिसीटफुली, ये हो जाएगा। और इसे कह सकते हो आप, गैम्बल को एक और यूज करते हैं, इससे गैम्बल का मतलब जुआ होता है। तो जो आंसर होगा अपना वो हो जाएगा हजार्ड का, जो आंसर होगा उसमें पूछा गया एंटोनिम, तो ये आंसर हो जाएगा सेफ्टी। सेफ्टी की बात करें, बाकी सब इसके आंसर जितने भी ऑप्शन दिए हो सब कोई भी मैच नहीं करेगा, सेफ्टी अपना आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच में, आपको इंडेक्ट बताना। देखिए अलका आस तरुण, पहली बात तो उसने पूछा है, आस्क मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे जो स्पीच है इंटरोगेटिव, ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इज द डोर क्लोज, देखिए ये पास्ट में पूछा गया, एक और बात पता चली हमें कि इंटरोगेटिव है ऊपर से पास्ट है, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंटरोगेटिव नहीं है। देखिए अलका आस तरुण इज देखिए इसने इंटरोगेटिव बना दिया, जबकि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इंडेक्ट बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना कि वो इंटरगेटिव में ना हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए इज द डोर आ गया, गलत हो जाएगा। अलका आस तरुण इफ, जब भी हमें यहाँ पे इस रिपोर्टेड, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड, ये बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। जब भी इंटरगेटिव से जोड़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को, तो ध्यान रखें इफ या वेदर यूज करेंगे आप। देखते हैं इफ या वेदर किसमें, इसमें इफ या वेदर है, इसमें वेदर है, इसमें वेदर है, देखते हैं। अलका आस तरुण इफ द डोर इज, देखिए ये पास्ट में था तो पास्ट में आना चाहिए, तो ये प्रेजेंट में क्यों आया, ये गलत हो गया। अलका आस तरुण वेदर सी क्लोज्ड, सी ये तो गलत हो जाएगा। अलका आस तरुण वेदर डोर वाज क्लोज, ये बिल्कुल सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल मतलब पैसेज बनना चाहिए, उस तरह से सेंटेंस को लगाना है। पहले को देखते हैं, आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, मुझे ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि मेरा जो घर था मैंने जो लॉक किया था वो मुझे अनलॉक कंडीशन में मिला, मतलब खुला मिला दरवाजा। तो देखिए उसे मिला उसके पहले घटना हमें पता होनी चाहिए, तो ये पहला नहीं हो सकता, इसमें ओपनिंग सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, टू माई एस्टोनिशमेंट, मेरा आश्चर्य और बढ़ गया, आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की, जिसके पास में एक्स्ट्रा की थी, हैड कम इन माई एबसेंस, मेरे गैर मौजूदगी में वो वहाँ पर घर में आया और उसने वो घर अनलॉक कर दिया। देखिए ये हो सकता है, आगे देखते हैं अगला वाला। लास्ट संडे, पिछले संडे को आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, मैं अपने घर लेट लौटा या लौटी जो भी होगा वो, तो ये पहला हो सकता है, ये पहला हो जाएगा अपना। दूसरा देखते, आई रैन इनसाइड इन फियर दैट हाउस हैज बिन रॉब्ड, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद जब मैं लौटा क्या होगा, आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस लॉक्ड, क्या जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा जब जब वो घर लौटेगा तभी तो देखेगा ना घर को, घर तो अनलॉक है। उसके बाद वो दौड़ेगा घर में कि मेरा घर में कुछ चोरी तो नहीं हो गया, मेरा घर किसी ने लूट तो नहीं लिया, ये तीसरा हो जाएगा डी, तो इस तरह से हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा ये वाला बी, कि वो तो मेरे लड़के ने खोला है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, सी ए डी बी, तो देखते हैं सी ए डी बी, देखिए ये रहा, ये अपना आंसर हो जाएगा सी ए डी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया इनकरेक्टली वर्ड बताना है। देखिए इनकरेक्टली वर्ड कौन सा होगा हमें भी नहीं पता, देखते जरा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक शाखा है इंजीनियरिंग में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में आपको स्टडी कराती है। डायलेमा का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन होगा, देखिए इसके मतलब समझ में आपको लिखा, कन्फ्यूजन हो गया, पजल्ड होगा, परटर्ब्ड होगा, प्रोफेशनल का मतलब तो आपको पता ही होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्टीज को हासिल कर, वन हु हैज एक्सपर्टीज इन हिज फील्ड, प्रोफेशनल है,
परपेचुएट का मतलब यहाँ पे देखिए मैं लिखवा देता हूँ, ये परपेचुएट का मतलब, इसका मतलब होगा फॉरएवर, एवरलास्टिंग, और होगा बस ये दो मतलब हो जाएंगे इसके। तो ये परपेचुएट का मतलब होता है लगातार, और इटर्निटी भी आप लिख सकते हो, इटर्निटी ये भी इसका मतलब होता है, ई टी ई इटर्निटी हो जाएगा। तो ये सब आप लिख लीजिए, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं बारी बार। तो इस तरह से जो आंसर होगा अपना, मैं पूछा, मैं बता रहा था कि इसमें गलती क्या है, गलती डायलेमा में ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जो स्पेलिंग होती है सही वो ये होती है, डी आई एल ई एम एम ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ईडियम पूछा गया है, ईडियम दिया गया उसका मतलब बताना। एट द इलेवंथ आर, एट द इलेवंथ आर का मतलब होता है कि एकदम लास्ट समय पे, देखिए 11 सुबह की 11, देखिए ए एम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, भी आप बता रहा है मैं आपको, एंटी मेरिडियन, ए एम का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन, या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इतनी, आपको नहीं पता तो ये यहाँ से मिल जाएगी। और एट द वेरी लास्ट मिनट मतलब एकदम अंतिम समय पे, ये इसका अपना आंसर है। और 1 आवर बिफोर मिडनाइट मतलब 12 बजे से 1 घंटे पहले, मतलब 11 बजे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आंसर जो होगा एट द 11th आवर का वो होगा बिल्कुल लास्ट समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, एरर के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे गलत है आपको बताना है। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। रमन ने कुछ सब्जियां रखी है फ्राइंग पैन में, उसके बाद उसने कुछ पानी मिलाकर ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया। देखिए पुट का हमेशा ध्यान रखिए, जब पुट होता है ना, पुट को प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, तीनों में ध्यान रखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में पुट का पुट रहेगा। यहाँ पे इसने पुट का पुटेड क्यों बना दिया, ईडी क्यों लगाया, इसका होगा ये पूरा कट जाएगा, ये होगा पुट ओनली, यहाँ पे जो गलती यही है, तो इस वाले को स्पॉट कर देंगे, ये गलती है। देखते हैं ये रहा पहला, ये फोर्थ वाले में गलती है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया वन वर्ड सब्डिशन बताना आपको। देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आए ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, देखिए ये रहा कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन की मैं आपको सिनोनिम बता देता हूँ। जैसे ये सबसे पहला जो आता है वो आएगा मॉब, एक तरह से मॉब, देखिए लिटरल मतलब तो नहीं है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप से मतलब है। दूसरा रहेगा ग्रुप, ये इसके सिनोनिम है, स्वार्म भी कह देंगे, स्वार्म भी ग्रुप को ही बोलते हैं, और आपका दूसरा क्राउड भी कह देंगे, क्राउड भी हो जाएगा। प्लैनेट्स तो आपको पता ही है जो ग्रह है, एस्ट्रोनॉमी आपको पता ही है, ये फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जो आउटर बॉडी सेलेशियल बॉडीज के से डील्स करती है, सेलेशियल CELESIAL, सेलेशियल का मतलब आकाशीय, बॉडीज का मतलब आपको पता होगा सेलेशियल बॉडीज, आकाशीय पिंडों का अध्ययन कराती है, और कॉन्फिगरेशन का मतलब भी होगा ग्रुप, ग्रुप होगा, असेंबली हो जाएगी, ये फिर से हो जाएगा क्राउड हो जाएगा, मास हो जाएगा, ये सारे मतलब होंगे पहले वाले वर्ड के। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बोल रहा हूँ ये बात, आपको बहुत अच्छी नॉलेज आएगी वोकैबुलरी के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, फिर से एरर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, देखते हैं किसमें गलती है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, देखिए जो रिक्रूटर्स थे, जो भर्ती करने वाले थे, वो बड़े खुश थे इस चीज को लेकर, जो जोन्स की नॉलेज है और उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और उसके ज्ञान को लेकर वो बड़े खुश थे। तो देखिए प्लीज के साथ में या तो विद आएगा, ध्यान रखें, या एट आएगा, पर यहाँ पर जो है एट नहीं आएगा, यहाँ पे विद आएगा, प्लीज्ड विद जोन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। इस तरह से जो आंसर होगा अपना वो ये, यहाँ गलती है, टू में गलती है, ये टू कट जाएगा, आंसर अपना हो जाएगा ये सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला हो जाएगा अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया एंटोनी बताना मैग्निफिसेंट, देखिए मैग्निफिसेंट का जो मैं आपको सोनी में लिखाता हूँ फिर से, तो मतलब क्या होता है मैग्निफिसेंट का, मतलब होगा मजेस्टिक, भव्य एकदम, आप कह सकते हो ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज की स्पेलिंग होगी, आप कह सकते हो स्पेक्टेकुलर, आप कह सकते हो स्ट्राइकिंग,
ये सारे सारे मतलब जो है ये मैग्निफिसेंट के, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा भव्य, ग्लोरियस होना किसी चीज का, जिसका बहुत सम्मान होता है, ग्लोरियस, महिमा मंडल करते लोग, प्रशंसा करते। मॉडेस्ट का मतलब होगा हम्बल या डाउन टू अर्थ, और कह सकते हो पोलाइट व्यक्ति। माइटी का मतलब होगा पावरफुल, फियरसम। पावरफुल, ग्रैंडियोस, ये सिनोनिम हो जाएगा इसका। और पूछा गया एंटोनिम, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। माइटी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, मॉडेस्ट भी इसका आंसर नहीं हो सकता। नहीं, मॉडेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओपुलेंट का मतलब था रिच, ओपुलेंट का मतलब होगा रिच या अबंडेंट। एक और मतलब होता है वेल ऑफ, वेल ऑफ भी तभी यूज करते हैं, रिच के लिए यूज करते हैं। सारे सारे मतलब हो जाएंगे ओपुलेंट के। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा मॉडेस्ट, मॉडेस्ट अपना आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए इस पे फिर से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। देखिए मैंने राहुल से पूछा कि उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूर था। देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी मैंने तुम्हें पहले बताया कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया और वो भी इंटरगेटिव सेंटेंस का, इसमें ये वाला यहाँ देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये तो थी हमारी रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, और ये जो आगे वाला पार्ट था, ये वाला, ये पूरा पार्ट था रिपोर्टेड स्पीच का। हमने जोड़ दिया किससे, दैट से। मैंने पहले बताया था आपकी, अभी बिल्कुल बताया कि दैट से कभी नहीं जोड़ते, या जोड़ेंगे इफ से या वेदर से, वो भी कब, किस कंडीशन में, जब जब डब्ल्यू एच ओ वर्ड ना हो, जब डब्ल्यू एच ओ वर्ड नहीं होंगे, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होंगे, मतलब कहने का कि ये कि जिसके पहले में डब्ल्यू एच लिखा होता है वो वर्ड नहीं होते, तब उस कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं किससे, इफ, कंजक्शन यूज करेंगे इफ या वेदर। लेकिन डब्ल्यू एच अगर वर्ड दिए हैं तब यूज करेंगे सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे हाउ पहले से दिया हो ना, हाउ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन वाले वर्ड पहले से रखे तो मतलब हाउ ही यूज किया जाएगा, और ये दैट नहीं आएगा, यहाँ पे दैट कट जाएगा, ये हाउ यूज किया जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, आई आस्क राहुल हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, ये इसका सही, बिल्कुल करेक्ट इसका सेंटेंस होगा। और इस तरह से जो अपना आंसर होगा वो होगा दैट, ये गलत हो गया, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, ये तो गलत, ये देन हाउ फार वॉज हिज ऑफिस, नो सब्स्टिट्यूशन तो आएगा नहीं, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये आएगा देन हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, ये अपना आंसर रहेगा फोर्थ वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, ये देखते हैं 16। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है स्किल, स्किल्ड होना, या स्किल्स कह सकते हो आप, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज हासिल होना, राइट, एड्रॉइटनेस, डेक्सटरिटी, ये सारे वर्ड कॉम्पिटेंसी को बताते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी काम का अंडरलेइंग होना, मतलब सब अंडर पाइपलाइन, पाइपलाइन का मतलब होता है किसी काम का जारी होना है, या अंडर प्रोसेसिंग, अंडर प्रोसेस कह सकते हो आप लोग, किसी काम का चालू है, चल रहा हो। फोटोग्राफ का मतलब तो आपको पता ही है, पिक हो गया, इमेज हो गया, और फोटो का दिए हुआ। और बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होगा, देखिए बाउंड्री मैं लिखवा देता हूँ, फ्रंटियर, लिमिट, ठीक है, आउटस्कर्ट्स, ये सारे 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 सिनोनिम में बाउंड्री के, इनका सबका मतलब होता है एक लिमिट से, एक बाउंड्री से। तो इसका जो आंसर मैं बता रहा था आपको, इसका जो आंसर होगा वो होगा बाउंड्री, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। फोटो फिर देखिए, फोटोग्राफ की स्पेलिंग जो गलत दी हुई है, फोटोग्राफ की जो स्पेलिंग होती है वो होती है पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच, फोटोग्राफी स्पेलिंग होगी, ये अपना आंसर होगा फोटोग्राफ। देखिए यहाँ पे टी के बाद ओ आएगा, यहाँ पे ये ओ आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द, फिल द ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। माई न्यू ईयर्स, देखिए न्यू ईयर्स में क्या रखते हैं लोग, रेजोल्यूशन रखते हैं, बिल्कुल। तो माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, मेरा जो नए साल पे जो मेरा एक कमिटमेंट था, जो मेरा उससे वादा जो था, वो मेरा ये था कि मुझे पॉजिटिव सोचना हमेशा। तो रेजुलेशन इसका अपना आंसर आ जाएगा।
रेजोल्यूशन का मतलब होता है कमिटमेंट, रखें कमिटमेंट, स्पेलिंग ध्यान रखें, पूछी जाती कई बार, कमिटमेंट होगा या डिटर्मिनेशन कह सकते हो आप, एम कह सकते हो आप, ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, ये सारे सारे मतलब वही होंगे। रेपिटेशन का मतलब तो आपको पता ही है, रिपीट करना इस चीज़ को, इसके सिनोनिम में आता हूँ, रीडू करना, री रन करना, रीइट्रेट करना, ये सारे सारे मतलब होंगे रिपीटेशन के। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, इसके भी लिखवा देता हूँ, मैरी मेकिंग, फेस्टिविटी, सारे मतलब इसके हैं सेलिब्रेशन के। कन्फेशन का मतलब क्या होता है, ये कन्फेशन के लिए बताता हूँ, एसन कन्फेशन का मतलब होगा एक्नॉलेजमेंट, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है बहुत बार, ध्यान रखें। एडमिट, ठीक है, और एक इसका ईडियम भी होता है कन्फेशन का, वो होता है मेक क्लीन ब्रेस्ट, ये ईडियम है ध्यान रखें, ये ईडियम है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है एससी के, सब चीज़ को ध्यान रखें। तो इस तरह से अपना आंसर होगा वहाँ पे, ये हो जाएगा, ये बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, इसमें आंसर जो होगा वो होगा अपना रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन भर देंगे ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ईडियम फिर से दिया गया, उसका मतलब बताना है। देखिए, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, और टी कप क्या होता है, एक जाएगा प्याला, उसमें तूफान कैसे आ सकता है, उसमें आ ही सकता है, इसका मतलब क्या, छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा बना दिया, तो अननेसरी मतलब होता है जिसकी जरूरत नहीं है, और टेंशन का मतलब तनाव होता है, तो बिना वजह का तनाव है नहीं, वो तो नहीं होगा। डिसअरेंजिंग द कटलरी, देखिए कटलरी उसे बोलते हैं जो नाइफ नहीं होता खाने के लिए यूज करते हैं, एंड फोर्क काटा, उसे कटलरी बोलते हैं, और डिसअरेंज करना उसे, अस्त व्यस्त रखना उसे, नहीं ये भी नहीं होगा। लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगॉटन, बहुत सारा हंगामा करना जिससे लोग जल्दी भूल जाएंगे, अ सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम, और एक बहुत बड़ा क्या आना, अचानक से तूफान आना जब तुम चाय पी रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉट ऑफ फस होगा, बिना वजह का हंगामा खड़ा करना जिसे लोग जल्दी भूल जाते हैं। फस का मतलब क्या होता है, आपको फस का मतलब मैं बताता हूँ, देखिए फस का मतलब होगा, फस इसका मतलब होगा टू शो और टू डिस्प्ले अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, टू शो अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, जिसकी जरूरत नहीं है, यह हाइप, तो ये होगा फस, इस फस का मतलब हो जाएगा। और एक बार एक और वर्ड यूज करते हैं FUD, ये भी सेम मतलब को कैरी करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इसका आंसर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया पैसिव वॉइस बताना, देखिए हेल्प द नीडी पीपल, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस ये एक्टिव वॉइस में है, ध्यान रखिए ये किस में, एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का, ये सेंटेंस जो होगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है, उसमें अब जगह दिया हो तो इसे यूज करेंगे लेट, यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट जो आएगा, फिर प्लस करेंगे बी, फिर प्लस यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखें इस चीज़ का। देखते हैं कि इसमें द नीडी पीपल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना अपना नीडी पीपल, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प, हाँ ये हो सकता है, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प, द नीडी पीपल आर हेल्पिंग, वो कहाँ मदद कर रहे हैं, लेट द नीडी पीपल बींग हेल्प, नहीं, फिर तो आंसर वो सेकेंड हो जाएगा कि उनकी मदद की चाहिए जो भी गरीब लोग हैं जिन्हें जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक फिर ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन का मतलब तो होता है आस्क करना, कुछ पूछना, ठीक है, या इंटरोगेशन करना, हम यहाँ तो ये तो करेंगे नहीं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम करना, जांच करना, या कह सकते हो स्क्रूटनाइज करना, इंस्पेक्ट करना, लुक इन टू करना, यहाँ पे प्रोड भी कर रहे हैं, इंस्पेक्ट ये दे दिया इसने, इसके भी सेम एग्जामिन होगा, इंस्पेक्ट होगा और लुक इन टू होगा, इंस्पेक्ट के मतलब भी एनालाइज कर देंगे। देखिए एनालाइज में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी करेंगे या एग्जामिन करेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम लोग फिर
एनालाइज करने के बाद में कंपेयर करेंगे, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, ये सब करने के बाद में एक फाइनल डिसीजन निकालेंगे, फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। सारे वर्ड भी आप याद कर लीजिए, कंक्लूजन, और उसी कंक्लूजन को बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन करने को, इन तीनों प्रोसेस को, पहला प्रोसेस एग्जामिन, कंपेयर और तीसरा कंक्लूजन निकालना, इस सबको बोलते हैं एनालाइज। देखिए यहाँ पे एनालाइज यूज किया जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, वी एनालाइज किया उन्होंने, मार्क्स का एनालाइज किया बच्चों के, डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, और कंपेयर किया उनकी परफॉर्मेंस साल, उस साल के लिए कंपेयर भी की गई है। इसके जो आंसर होगा वो रहेगा फोर्थ एनालाइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो है क्वेश्चन वो आ गए हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। क्लोज टेस्ट पे सबसे पहले मेरा आपको पता ही होगा, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा, उसके बाद आपको भरने में आसानी रहेगी। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश ऑर्गेनिकली, सो वट एवर यू बाय इज फार्म प्रोड्यूस एज द ऑफ डैश आ गया, ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर डैश आ गया, सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मा, में वी यूज टर्मरिक ऑन वूंड्स ऑल्सो टू डाई डैश एंड इट इज एडेड एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग ऑल्सो, मैनी बिलीव इट इज एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स। देखिए जो भूटान में सब कुछ जो पैदा होता है ना वो केमिकल फ्री है, मतलब प्योर एकदम, और सब्जी ले लो चाहे फ्रूट्स ले लो, और डैश आ गया पहले में, देखते हैं इस बारे में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आर आ गया, और जब भी आर आएगा ना मतलब सेंटेंस पेसिव वॉइस में, तो पेसिव वॉइस के बाद में क्या आएगा, यहाँ आएगा वी थ्री। देखते हैं वी थ्री किस में, ग्रोन वी थ्री है, ग्रो वी वन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो नहीं आ सकती, ग्रोज वी वन तो है ही साथ में, और एस लगा हुआ है ये तो वैसे भी नहीं आ सकती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ग्रू सेकंड फॉर्म है मतलब वी टू है फास्ट फॉर्म में, तो ये तो वैसे नहीं आ सकती, तो तीनों कट जाएंगे, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, पैदा की जाती है कैसे, वेजिटेबल जो पैदा की जाती है, फ्रूट जो पैदा किए जाते हैं वो एकदम केमिकल फ्री है भूटान के अंदर सब कुछ। दूसरा देखते हैं ऑर्गेनिकली होते हैं वो, सो वट एवर यू बाय इज वो क्या होता होगा वहां पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय इज क्या होगा, फार्म प्रोड्यूस एज द, देखिए नियर, देखिए लोकली, हाँ लोकली इसमें आ सकता है, नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास में तो नहीं आ सकता, क्लोजली का मतलब जो क्लोजनेस रखता हो, एक जैसे हो, सिमिलरिटी हो जिसमें, यहाँ पे सिमिलरिटी की तो बात नहीं की गई है, सिमिलरिटी की बात नहीं की है, नियरली का मतलब लगभग एक जैसा, या उसके आसपास हो, अराउंड, नहीं यहाँ पे ये मतलब भी नहीं आएगा, इसका जो मतलब आएगा वो क्या आएगा, लोकली, वो जो लोकल के जो फार्म है वहां से प्रोड्यूस की गई है, यहाँ पे लोकली आ जाएगा पहले वाला, दूसरा भी हो गया इस तरह से, तीसरे देखते हैं, फिर आ गया द, फिर डैश आ गया, देखते हैं लोकली द एज द, अब बताओ द के बाद क्या आएगा, कॉमन, कॉमन तो नहीं आना चाहिए, मास ऑफ द पॉपुलेशन नहीं आएगा, नहीं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ यहाँ आ सकता है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, इंडल्ज है, किस चीज में लगी हुई, किस चीज में, फार्मिंग के लिए लगी हुई है, और कम्युनिटी का मतलब समुदाय होता है, देखिए मास का मतलब होगा सभी लोग, पूरी जनता, जनता तो नहीं लगी होगी वहाँ पे पूरी, कॉमन का मतलब आम, आम कॉमन पॉपुलेशन, आम नागरिक भी नहीं कह सकते यहाँ पे, तो मेजोरिटी अधिकतर लोग, ऐसे लोग अधिकतर लोग, और कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, समुदाय भी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे मेजोरिटी, अधिकतर जो लोग है किसी में इंडल्ज है, फार्मिंग में लगे हुए हैं। फोर ताले पूछा गया, फोर सेज माई, कहता है मेरा टैक्सी का ड्राइवर जिसका नाम कार्मा की में ये नाम है, पता नहीं मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा, वो कहता है अब किसके लिए करते होंगे वो फार्मिंग, किसके लिए करता हूँ, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, नहीं पोषण के लिए नहीं करते होंगे वो, सस्टेनेंस के लिए करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, सस्टेनेंस इसका आंसर हो सकता है, कंजर्वेशन बचाव के लिए, नहीं बचाव के लिए नहीं करते, प्रोविजन भविष्य में, प्रोविजन का मतलब भविष्य को लेकर चलना, भविष्य के बारे में सोच विचार कर चलना, और प्रोविजन या एक राशन जो होता है तरह का उसके लिए भी यूज करते हैं प्रोविजन, नहीं उसके लिए भी नहीं होगा, या उपचार या उपाय के लिए भी कहते हैं प्रोविजन, तो ये सस्टेनेंस के लिए कर रहे हैं वो लोग, अपनी गुजर बसर करने के लिए कर रहे हैं सब काम, खेती जो कर रहे हैं, उसके जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ का सेकंड, सेज माई, उसके ड्राइवर ने कहा वी यूज, अब वो कह रहा है कि जो हम टर्मरिक यूज करते हैं ना घाव पर, ऑल्सो टू डाई, डाई करने के लिए भी यूज करते हैं उसे, क्या डाई करते होंगे, देखो कपड़े डाई तो होते हैं और क्या डाई होता होगा, यहाँ पे देखते हैं कवरिंग, कवरिंग का मतलब होता है कवर, ढकना किसी को, है ना, ये तो यूज नहीं होगा यहाँ पे, टायर्स का मतलब क्या था, क्लोथ से होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं ये, ठीक है, ये पर्टिकुलर होते हैं, तो ये पर्टिकुलर कपड़े हैं
अटायर से आप ये यूज नहीं करेंगे। हम लोग फैशन, तो आपको पता ही है फैशन क्या होता है, गारमेंट्स यूज करेंगे, जो कपड़े हैं उन्हें गारमेंट्स, यहाँ पे गारमेंट्स आ जाएगा, गारमेंट्स को डाई करते हैं। और कह रहा है इट इज एडेड एक्सटेंसिवली इन और कुकिंग, और इसे हम लोग बहुत ज्यादा कुकिंग में यूज करते हैं ऑल्सो। साथ ही बहुत सारे लोग तो ये विश्वास करते हैं कि ये एंटी कैंसर है, मतलब इससे कैंसर खत्म हो जाता है और ये ट्यूमर को भी ट्रीट कर सकती है, ट्यूमर का भी उपचार उससे हो सकता है। ये ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर अर्ली स्टेज होती है कैंसर की। इस तरह से जो आंसर होगा अपना वो कवरिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना गारमेंट्स। इस तरह से ये शिफ्ट के सभी 25 के 25 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।